नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सरायपाली में महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव को इस साल अमृत उत्सव के रूप में मनाया गया है। वार्षिक उत्सव मनाने के पहले 10 दिनों तक कॉलेज परिसर में खेलकूद का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक को मुख्य अतिथि बनाया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2003 से रामचंडी महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था, जो 3 कमरों से चालू हुआ था और आज 5 एकड़ स्वयं की भूमि में 40 कमरों के साथ महिला छात्रावास के साथ संचालित हो रहा है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रामचंडी महाविद्यालय कार्यरत है और शिक्षा का प्रसार कर रहा है। आज मुझे भी यहाँ वार्षिक उत्सव में आने का मौका मिला। यहाँ छात्र छात्राओं के द्वारा बड़े रमणीक और मनोहारी और ऊर्जा से ओतप्रोत प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर देखिए, ये छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए, उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, आप देखते हैं कि छात्र छात्राएं जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। पढ़ते पढ़ते छात्राओं में एक नवाचार करने के कुछ होता है, तो कला भी एक ऐसा क्षेत्र है सर, जो जीवन में एक छात्र कला के क्षेत्र में भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है या फिर कला के क्षेत्र में अपने करियर को निर्माण कर सकता है। नमस्कार, आपका अजय सर, रामचंडी महाविद्यालय में PGDCA का छात्र हूँ। यहाँ हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव, जिसे अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं, और यहाँ हमारे जिला के SP सर और हमारे सरेपल्ली अंचल के SDOP सर और TI सर आशीष वैश्निक सर, जिन्हें दबंग के नाम से जाना जाता है, ये सभी हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं और इन्होंने हमें शिक्षा के प्रति जागरूक कराया और हमें शिक्षा का प्रकार बताया। तो हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सब हर्ष उल्लास के साथ ये हमारे कार्यक्रम को अच्छे से समापन करें। हाँ सर, आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव मनाया गया है और रामचंडी महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव, मतलब 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें अमृत उत्सव के तौर पे यहाँ पर मनाया गया है और बच्चों का बहुत ही उत्साह देखा गया है यहाँ पर। और हमारे तात्कालिक जो पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, उनका भी उत्साह है और जो भूतपूर्व हमारे जो विद्यार्थी आए हैं, उनका भी बहुत ही उत्साह देखा गया है सर। और हमारे यहाँ से जितने भी जो भूतपूर्व छात्र पढ़ के निकले हुए हैं, वे बढ़ चढ़कर अच्छे अच्छे क्षेत्रों में उन्होंने अपना अपना मान सम्मान उन्होंने कमाया है। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, हमारे रामचंडी महाविद्यालय से शिवा मानिकपुरी करके हैं। सूरजपुर में शासकीय रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय के छात्र आज PWD विभाग के दफ्तर पहुंचे। वहां पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि महाविद्यालय में रंग रोगन और महाविद्यालय मार्ग निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पेंटिंग का कार्य आधा अधूरा पड़ा है। इस कॉलेज के अधूरे पेंटिंग कार्य और सड़क अभाव के कारण कॉलेज की रैंकिंग में प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आज महाविद्यालय के छात्र PWD कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहाँ अधिकारी मौजूद नहीं मिलने से छात्र नाराज हैं। अब हमारे कॉलेज में नेक की टीम आने वाली है और नेक की टीम आके हमारे कॉलेज में ये देखेगी कि यहाँ कुछ है ही नहीं। पेंटिंग का काम दिए थे जनवरी तक कंप्लीट करने का, वो अभी तक हुआ नहीं। अब नेक की टीम फरवरी में आने वाली है, अब 2-3 दिन में, तो उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं। अब नेक की टीम आएगी तो हमारी ग्रेड देखेगी क्या हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं तो ग्रेड और कम कर देगी। तो PWD विभाग में आके हम लोग अपने कॉलेज के लिए जो काम दिए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए मांग किए हैं। PWD विभाग के द्वारा शासकीय रेवती रमन महाविद्यालय जो है, इसमें पेंटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जो कि समय अवधि से ज़्यादा भी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इनका कार्य पूरा नहीं हो चुका है। और नेक की टीम आने वाली है मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय में, और अभी तक इनका कार्य पूरा नहीं हुआ। अगर महाविद्यालय को ग्रेडिंग कम मिलती है, जिससे छात्रों के पूरे भविष्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर कुछ सुविधाएं इनकी कम होती है या कॉलेज का ये ग्रेडिंग कम होता है, उस पर सभी छात्र आज अपनी इन मांगों को लेकर कि जल्द से जल्द कार्य पूरा कराया जाए और जो सड़क निर्माण के लिए जो स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसको जल्द से जल्द कार्य स्टार्ट किया जाए, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे।
तेलखानी विकास बोर्ड के सदस्य लक्ष्मी गुप्ता सूरजपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद लक्ष्मी गुप्ता ने साहू समाज के भवन का भूमि पूजन किया। साहू समाज की बैठक में उपस्थित पिछड़ा वर्ग समाज और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस संगठन के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि ये भवन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समाज को दी गई सौगात है। इस मौके पर सीएम बघेल की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। आज देवी धाम उदरगढ़ में धर्मशाला का भूमि पूजन था साहू समाज सूरजपुर के द्वारा, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैं उपस्थित था जहां मेरे द्वारा भूमि पूजन किया गया। ये धर्मशाला बनने से हमारे पूरे सिर्फ न सिर्फ सूरजपुर को बल्कि पूरे संभाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोग देवी दर्शन करने आते हैं और कुछ देर ठहरते भी हैं तो धर्मशाला उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। यह धर्मशाला हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के दूरवर्ती सोच का परिणाम है, जो न सिर्फ साहू समाज बल्कि हर समाज के लिए भूमि उपलब्ध करा रहे हैं और भवन के लिए वो पैसा भी दे रहे हैं। मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त। सरायपाली में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि गांजा की तस्करी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने कई किलो गांजा बरामद भी किया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सर, सरायपाली पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे पास्को एक्ट के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। क्या है मामला? सन 2021 में कुटिला निवासी प्रार्थी संजय साहू ने अपने नाबालिग पुत्री के गुम होने की रिपोर्ट थाना सरायपाली में दर्ज कराया था, जिसमें थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 470/21 धारा 363 IPC कायम करके इसने में लिया था। तब से आरोपी पंकज साहू अभिजा के साथ फरार था, जो उसे केरल ले गया था भगा के, जो दिनांक अभी 2 दिन पहले लड़की की तबीयत खराब होने पर वापस आया था, छुप के इलाज करा रहा था, जिसकी मुखबिर से सूचना मिलने पर कल दिनांक 7 तारीख को अभिता नाबालिग बालिका की दस्तावेज किया गया तथा संदेही को हिरासत में ले गया, पूछताछ किया तथा उसे मेडिकल कराकर जुर्म सिद्ध होने पर आज दिनांक 8/7/2022 को 8/2/2022 को गिरफ्तार कर पास्को एक्ट में न्यायालय पेश किया गया। सरगुजा में आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार अलंग आज दौरे पर बलरामपुर के राजपुर पहुंचे। राजपुर पहुंचकर तहसील कार्यालय और SDM कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों के साथ सभा कक्ष में बैठक की, जहां संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन में हितग्राही मूलक होने के कारण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के तहत वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के सामान्य प्रावधान हैं, तो सुधार को दृष्टिगत रखते हुए और इम्प्रूव करने के दृष्टि से ये निरीक्षण किए जाते हैं, और जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ पाई जाती है तो उसे रिप्लिकेट करते हैं, और अगर कुछ कमियाँ होती हैं तो उनमें सुधार की गुंजाइश देखते हैं। हाँ, जो भी थे उनको मीटिंग में बताया है, उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सरायपाली में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपी एक नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस को सफलता हासिल हुई। सरायगढ़ में शिक्षकों का अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू हो गया है। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि शिक्षक जिला मुख्यालय और तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। शिक्षकों की हड़ताल से पूरे प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई स्कूलों में तो स्थिति ये है कि बच्चे मिड डे मील खाकर घर लौटने के लिए मजबूर हैं। सख्ती में जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों ने मारपीट और लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कैदी 302 के मामले में सख्ती उपजेल में बंद था। अचानक कैदी की तबीयत बिगड़ी और पेट फूलने की शिकायत पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टर ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। जो सूचना अपने को मिली थी कि जेल में एक निरुद्ध मेघराज देवांगन जो कैदी हैं, उनका जेल में अचानक तबीयत खराब हुआ, जिसको CSC हॉस्पिटल आए, लाने में वो लोग लेट किए। अगर जल्दी आ जाता
तो मेरा लड़का का जान बच जाता। राजपुर में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 मवेशियों को जब्त किया है। वहीं इस मामले में मवेशी तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चलते द्वारा पशु तस्करी पर कड़े कार्रवाई के निर्देशन प्राप्त हुए हैं। और इस कड़ी पे बीती रात हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्हाइट कलर के सवारी वाहन में पशु की तस्करी की जा रही है, जिस पर तत्काल टीम गठित कर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर भेजा गया। जब वहां पर पहुंचे तो देखे कि एक वाइट कलर के स्कॉर्पियो वाहन जो उड़ीसा राज्य के क्रमांक का वाहन है वो की है। महिला का कहना है कि महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष देह व्यापार में लिप्त है और उसे भी इस कार्य के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इस गंभीर आरोप के बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस नेत्री जिलाध्यक्ष पर लगे आरोप के बाद जिलाध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेत्री की पूरी टीम SP ऑफिस पहुंची और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरी मांग यही है कि मैं पीड़ित परिवार से हूँ और गीता नायक द्वारा मेरे को जो अशोभनीय ढंग से बात की है उसका मैं न्याय मांगने आई हूँ आज SP ऑफिस में अपने पूरा महिला कांग्रेस के टीम के साथ में, है ना। और जो देव व्यापार का आरोप लगाया है वो सरासर गलत है और गलत को देखते हुए मैं मांग करती हूँ अपने SP सर से कि वो निष्पक्ष रूप से जाँच करे और आगे की कार्यवाही के लिए मैं मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। रायगढ़ में वृष्टाश्रम में हमर सयान कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। पुलिस विभाग के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी और समाज कल्याण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुजुर्ग वृद्धजनों का पुलिस अधीक्षक समेत अन्य सभी लोगों ने सम्मान किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा वृद्धजनों के लिए सभी थानों में एक अलग से डेस्क की व्यवस्था की गई है। आज यहाँ वृद्धाश्रम में हमर सयान कार्यक्रम पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जाता है जिसमें हमारे वृद्ध जो जन होते हैं उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उन पे जो भी उनका मदद होता है वो किया जाता है। और आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर ज़िले में कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई भी अपने माँ पिता को परेशान करता है तो उनकी सूचना पुलिस विभाग को, पुलिस कंट्रोल रूम को या नज़दीकी थाने को दिया जाएगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जो है उचित जो है उसका निराकरण किया जाएगा। रायगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इंटर स्टेट ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये नगर निगम कॉम्प्लेक्स में एक जियो लाइफ मैनेजमेंट करके फर्जी कंपनी जिसे मोहम्मद आजाद, प्रेम कुमार उर्फ असलम, ये दोनों UP के रहने वाले हैं और एक मोहम्मद सज्जाद जो है वो जूट मिल कर आने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा टेली कॉलर में जॉब दिलाने के लिए अलग अलग जो विभिन्न कंपनियाँ हैं जिसमें जियो लाइफ, बजाज कंपनी, मारुति सुजुकी, ऐसा अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें टेली कॉलर का जॉब दिलाने के लिए युवतियों को भर्ती इन लोग कर रहे थे जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1549 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे और उनको प्रॉपर 1 महीने काम भी कराए और 1 महीने काम कराने के बाद उक्त ऑफिस जो है उसको बंद करके चले गए, जिसमें अभी तक हम लोग 56 लोगों को फाइंडिंग कर चुके हैं जिन्होंने पैसा। खबर पामगढ़ से है जहां कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हृदय अनंत पामगढ़ पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय विश्राम गृह में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सहित बाल संरक्षण आयोग के सदस्य स्वागत समारोह में शामिल हुए। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने जिलाध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने अभूतपूर्व स्वागत का कार्यकर्ताओं पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसकी सार्थकता तब होगी जब सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे।
नारायणपुर में पुलिस और जिला प्रशासन के निर्देशन में सद्भावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। वहीं इस अभियान से आम जनता से समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। 2023 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिला मुख्यालय के क्रिकेट प्रतियोगिता में 14 टीमें भाग ले रही है और प्रतियोगिता में 14 मैचों का आयोजन होना है। जिला नारायणपुर में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त एफर्ट से एक सद्भावना कप का आयोजन किया गया। क्रिकेट गेम को प्रमोट करके और इसमें जितने भी हमारे ज़िले में गांव हैं उनको थाना स्तर पे अलग अलग गांव को आपस में इनका क्रिकेट मैच करवाया गया, लीग मैचेस, जो कि 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और 6 से 9 फरवरी के बीच में इसमें आगे के जो मैचेस होते हैं हर थाना क्षेत्र से जो टीम्स सेलेक्ट होके आई हैं वो नारायणपुर में सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल मैच हमारा 9 फरवरी को आयोजित होगा बालक हाई स्कूल ग्राउंड में, जिसमें इनको विनर टीम को ढेर सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी जो जर्सी और रहने का व्यवस्था, खाने पीने का सभी व्यवस्था करवाया गया है। इससे यही उम्मीद है कि जिला के जितने भी नवयुवक हैं उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करके और इनको इनके एक टीम स्पिरिट डेवलप की जाए और जिला में एक सद्भाव का माहौल जो है वो क्रिएट किया जाए। मैनपाट में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि पंचायत सचिव सरपंच के द्वारा बिना किसी बैठक और पंचों की सहमति के हस्ताक्षर के बिना पंचायत में आए हुए शासकीय राशियों का बंदरबांट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि यहां सरपंच सचिव के द्वारा साठ काट कर 30 से 35 लाख रुपए निकाल कर गबन किया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण और पंचों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्ट्रेट से की है। इस संबंध में कल कुछ पंच महोदय थे, मेरे पास आए हुए थे जी। उन्होंने आके शिकायत लिखित में दी है मेरे पास जी, जी। फिर अभी मैं उस केस को स्टडी कर रहा हूँ, आगे फिर उसके बाद कार्रवाई करके जो भी आगे जो प्रक्रिया होगी ऊपर कार्यालय को भेज दी जाएगी, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई अपन कर लेंगे इस पर। मैं श्रीनिवास पेखरा हूँ, वार्ड क्रमांक 8 के पंच हूँ, ग्राम पंचायत कुदारीडीह में कुछ यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, ग्राम सभा भी नहीं होता है और इसमें 35-35 लाख खा गए हैं। इसमें जांच के लिए अंबिकापुर भी दिए हैं और इसमें जांच भी नहीं हो रहा है। मैं अकबर माझी, वार्ड क्रमांक 16 का पंच हूँ, ग्राम पंचायत कुदारड़ी के कुल 16 वार्ड है, जो कि हमारे पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा 30 से 35 लाख रुपए का बिना निर्माण कार्य की राशि का गबन कर दिए हैं, जो कि हम 10 पंचों ने आवेदन कलेक्टर जनपद पंचायत सीओ को जांच करने के लिए दिए थे, जो कि अभी तक जांच नहीं हुआ है। यदि जांच कर कार्रवाई नहीं हुआ तो ग्रामीण के साथ धरना भी देंगे। जगदलपुर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती विधायक के घर पहुंचे। समिति के अध्यक्ष ने स्वामी जी का स्वागत किया। संसदीय सचिव ने क्षेत्र की जनता के लिए शंकराचार्य से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर स्वामी शंकराचार्य जी के चरण पादुका की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा आयुक्त राजपुर पहुंचे। इस दौरान ग्राम पंचायत अमड़ी पाड़ा के किसानों ने अपनी भूमि अधिग्रहण की समस्या को लेकर समाधान और मुआवजा राशि आवंटन की मांग की। कृषक अपनी भूमि के मुआवजा के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इन कृषकों के द्वारा भाजपा शासन में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कांग्रेस के मंत्रियों और जिले के सभी अधिकारियों को अपनी व्यथा बता चुके हैं, लेकिन किसानों को अधिकारियों ने सिर्फ अब तक आश्वासन ही दिया है। कल मेरे से गांव वाले बात किए थे कि 19 आज के लगभग 38 वर्ष पहले गागर नदी का जो विवर्तन जो नहर योजना जो बना था उसमें करीब 85 लोगों का भूमि दब गया है और प्रभावित भी हुए हैं लोग। इन लोगों के द्वारा एवार्ड भी पारित हो गया लेकिन आज तक इनको मुआवजा इनको मिला नहीं है उसका। तो गाँव वाले चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सर्वाधिक गौंड जाति के लोग इसमें फंसे हुए हैं, इनको आज तक कोई भी मुआवजा इनको प्रदान
नहीं हुआ है। इस संबंध में हम लोग आज कमिश्नर साहब जो डॉक्टर संजय कुमार अलंग जी थे सुबह उनसे मेरी बात हुई थी, तो बोले कि उनके साथ जितने भी आदमी होंगे उनको सबको एक बार आप ले आओगे और मैं सुन करके उनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। समस्या हम लोगों का है कि गागर व्यपरिवर्तन योजना के अंतर्गत गागर नदी में नहर की खुदाई और उपनहर की खुदाई हुई है, जिसका मुआवजा आज तक हम लोग ग्रामवासियों को अप्राप्त है, जिसमें 84 लोगों का नाम मांगित है। 2012 से लेकर के उसके पूर्व से आज तक हमारे ग्रामवासी भटक रहे हैं। कई बार केस बना करके भेजा गया, यहाँ तक कि राजनांदगांव से भी अवनीश कलेक्टर साहब के द्वारा सब भेजा गया, वो कागज़ वहाँ से आ गया और आज तक हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। अंबिकापुर में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 2460 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। इसका समर्थन करने महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद जिले के महिला बाल विकास अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और नोटिस जारी किया है। वो एक्चुअली हमारे यहाँ के सुपरवाइजर है और वो उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो अध्यक्ष हैं और वहाँ जो बाकी लोग आए हुए थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक हैं उनसे बात करने गई थी कि वो चाबियाँ जो वो लोग रखे हुए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक हैं अपने पास में, वो चाबी उनको दे दें ताकि पंजी वगैरह लेके जो पोषण आहार है उसका वितरण हम लोग करा सकें। लेकिन वीडियो को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वो भावावेश में वो मंच में चली गई और वहाँ से फिर उनके पक्ष में कुछ उन्होंने बयान दिया है और ये मतलब उसके खिलाफ भी हमने अभी नोटिस जारी कर दिया है और उनका जवाब का इंतजार है। 3 दिन का समय दिया है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।